नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। कल दिनांक 23 फरवरी 2024 को संत गाडगे महाराष्ट्र में जन्मे। गाडगे बाबा थे तो अनपढ़, लेकिन वे शिक्षा का महत्व बखूबी जानते थे। वे समाज के सभी वर्गों को अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए प्रेरित करते थे। वे लोगों से कहते थे, अपने बच्चों को हर हालत में पढ़ाना लिखाना चाहिए, चाहे एक समय भूखा रहना पड़े या फिर कपड़ा कम मिले, लेकिन बच्चों को पढ़ाने लिखाने का कार्य अवश्य करना चाहिए। उस समय शूद्र समाज की हालत ऐसी थी कि कोई उन्हें अपने यहाँ रुकने नहीं देता था, पानी नहीं पीने देता था। इसलिए गाडगे बाबा ने इस समस्या का समाधान किया, धर्मशालाओं का निर्माण करवाया, कुएं तालाब खुदवाए, आवारा पशुओं के लिए गौशाले बनवाए। हरदोई ग्राम सभा में इनका जन्म दिवस सभी ग्राम सभा के लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इंडिया समाचार से रामदीन रावत की खास रिपोर्ट। भैया दशा दिशा को बदलने के लिए, आपकी आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए, आपकी सामाजिक स्थिति को बदलने के लिए, आपकी राजनीतिक स्थिति को ताकत को बनाने के लिए, वो उनका मकसद पूरा नहीं हुआ। आज भी बाबा जी की आत्मा ऊपर बैठ के आपके सत्कंडे को देख रही होगी, आपके अनाज की योजना को देख रही होगी, आपके शराबखोरी को देख रही होगी, पैसा लेकर के वोट को देने की प्रवृत्ति को देख रही होगी। आप पैसा लेके वोट देते और 5 साल तक आप शोषित होते, मत करिए इस काम को। जागरूक होइए और अपना रहनुमा, अपना खैर ख्वाह, अपना अगुआ, आपकी जो सुख दुख में जो शरीक हो, आपकी भावनाओं को जो समझता हो, गरीबों के ऊपर जिसके दिल दिमाग में हमदर्दी हो, ऐसे आदमी को अपना नुमाइंदा बनाइए, भले किसी पार्टी से आओ। संजीदा बनिए, समझदार बनिए और जो स्वतंत्रता आपको मिली है, जो 40 साल पहले हरगैया था, आज वो हरगैया नहीं रह गया है, आपको स्वतंत्रता मिल गई, आगे बढ़ने के रास्ते मिल गए। अब आपको तय करना है कि आपको कौन सा रास्ता अख्तियार करना है। मेरी इतनी सी गुजारिश है, ये संदेश है कि गुमराह करने वाली जो प्रवृत्तियां हैं, इनमें गुमराह मत होइए, अपना रास्ता चुनिए आगे बढ़ने के लिए। और ये जो रोका जा रहा है आपका आर्थिक शोषण, बहुत धीरे धीरे किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है, आपको काहिल बनाया जा रहा है, इससे दूर हटिए। अपने बच्चों को मेहनत करना सिखाइए, लड़ना सिखाइए, संघर्ष करना सिखाइए, आगे बढ़ना सिखाइए। आपने बुला करके हमें जो सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नौजवानों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।